assalamu alaikum this is lecture number 22 of the database management system course and the course code is cs403 dear students in the previous lecture we concluded our discussion on the normalization by discussing a comprehensive example of the normalization where we performed the normalization process on a relation we also studied how to form how to identify different types of fd's from the given scenarios, from the given business rules. Then we used those FTs in the normalization process and we transformed a relation into the third number form and uh, we also checked the BCNF for those relations. After that, we entered into the next phase of the database development process and that was physical database design. We just touched and introduced the topic. Today, we start our discussion. On the physical database design. So, let's start today's lecture. As I mentioned in the previous lecture, that one of the inputs that we need for the physical database design is the data usage. So, this is a technique that we use for this data statistics this is called data volume and usage analysis as the name suggests this particular analysis shows the volume of data and the nature of use of that data and basically uh, this is a sort of an aid for the final physical design about the size and the nature of accesses the number of accesses of data let us see what is it

तो उसी दौरान आप ये करें कि अपने वही जो आपका कंसेप्चुअल डेटरफेस डिजाइन था जो ई आर डाग्राम में था उसके साथ आप ये स्टेटिस्टिक्स भी ऐड कर लें या ये है कि आप जब इस फेज में एंटर हो जाएं यानी फिजिकल डाइट डिजाइन में तो यहां आप पीछे रेफर करें और जो आपका कंसेप्चुअल डेटरफेस डिजाइन था उसी को लें और उसके साथ आप ये स्टेटिस्टिक्स ऐड कर लें तो ये आपको हेल्प करेगा अल्टीमेटली अपने फाइल स्ट्रक्चर्स को जो आप ये कहें कि अपना जो फिजिकल डेटाफे डिजाइन है उसको आपको डिजाइन करने में

ये आप अभी कैसे बता सकते हैं बिकॉज यू हैव नॉट येट डिजाइन द डाटा बेसिजाइन द डाटा बेस नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड सो हाउ कैन नाउ वी टेल द साइज एंड द यूजेज ऑफ द डाटा उसका जवाब यह है कि आप ये इंफॉर्मेशन भी गैदर करते हैं फ्रॉम द यूजर्स यानी उस सिस्टम में जो रियल वर्ल्ड सिस्टम है वहां के जो लोग हैं उनसे आप ये पूछते हैं आप वहां से गेस्ट करते हैं कि कितने होंगे अब ये जो फिगर्स हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी 100 परसेंट एक्यूरेट एंड दे कैन नॉट बी 100 परसेंट एक्यूरेट लेकिन बात ये है कि आपको एक अंदाजा हो जाना चाहिए और जाहिर है कि यह अंदाजा आप खुद से नहीं कर रहे बल्कि द यूजर्स ऑफ द सिस्टम वो आर वर्किंग विद द सिस्टम फॉर क्वाइट सम टाइम जो कि उसे पूरी तरह फेमिलियर है वो आपको ये फिगर्स दे रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत तो नहीं होंगी जाहिर है और फिर एक और चीज इसमें यह है कि यू डू नॉट नीड इवन द एग्जैक्ट फिगर्स आपको अंदाजा हो जाए एक बात दूसरी बात यह है कि इसमें आपको जो रेलीवेंट फिगर है कि यानी ये अंदाजा ये हो जाएगा कि फर्ज अगर हमारे पास मुख्तफ एंटिटी टाइप्स हैं तो उनमें रेलिवेंट रेलिवेंट रिलेटिव आपको पता चल जाए कि इसमें कितने होंगे इसमें कितने होंगे या ये कि ज्यादा हैवीली पॉपुलेटेड होगी या इस इसमें ज्यादा ज़्याद एक्सेस होंगे नूरी के तो जो एक रेलेटिव इंफॉर्मेशन आपको वो भी, वो भी मिल जाए अगर तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब आपने फिजिकली इन चीजों को स्टोर करना है तो किन चीजों की जो एफिशिएंसी है यू नीड टू कंसंट्रेट मोर ऑन देम देखें इस मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें अपने किसी एग्जाम सिस्टम की उसमें यह है कि इफ यू आर डेवलपिंग फॉर एन इंस्टीट्यूशन आप उसे पूछते हैं कि जी हमारा फर्ज करें स्टूडेंट का टेबल है आप उसे पूछ सकते हैं कि इसमें अंदाजन कितने रिकॉर्ड होंगे अब एक तो यह सूरत हाल है कि आज जो वो इंस्टीट्यूशन है उसकी जो करंट सिचुएशन है फर्ज करें वो कहते हैं हमारे पास इस वक्त जो है ना बारह सौ लोग हैं तो यू विल नॉट ओनली कंसिडर द करंट स्टैटिस्टिक्स करंट डाटा बल्कि आप ये देखें कि इसमें जो ग्रोथ का क्या रेशो है क्योंकि आपने अपने इस एनालिसिस के अंदर जो फ्यूचर की नीड है फ्यूचर का जो एक लेवल है फ्यूचर में उसका साइज है उसको भी कंसिडर करना है चुनाचे फर्ज करें वो कहते हैं कि बारह हमारे पास लोग हैं स्टूडेंट हैं लेकिन हर साल आप वो कहते हैं कि जी तकरीबन सौ लोग पास आउट हो जाते हैं और लगभग डेढ़ सौ लोग जो है वो नए एंटर होते हैं इससे आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि हर साल ऑन एवरेज जो है पचास लोग इंक्रीज हो रहे हैं तो आप इसको अगले कुछ लट से चार पांच छह सालों तक लट से छह सालों तक आप एस्टिमेट करते हैं कि इतने में इसमें कितनी तादाद होगी तो हो सकता है आप कहें कि इसमें छह साल तक लट से पंद्रह लोग लगभग होंगे तो आप इतनी उसका गुंजाइश रखेंगे कि आपको बारह से लेकर पंद्रह तक इसमें रिकॉर्ड हो सकते हैं और फर्ज करें इसका आप एवरेज लें आप सपोज कर लें कि हम इसको कह देते हैं कि फोर्टीन हंड्रेड होंगे उसके बाद अब आपने जो एक जो टेबल डिफाइन डिफाइन किया किया है, है, रिकॉर्ड जब आप उसके इंडिविजुअल एट्रीब्यूट का साइज लेते हैं तो उससे आपको उसके एक रिकॉर्ड का साइज पता चल जाता है तो आप टेंटेटिवलीर्ज करें फोर्टीन हंड्रेड एक रिकॉर्ड का साइज क्या से के 250 बाइट्स। ये 250 है तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें देन यू कैन एस्टिमेट द साइज ऑफ द टेबल इसको फिर आप अपने तौर तो पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको आप कैसे स्टोर करेंगे किस तरह के मीडियम पे स्टोर करेंगे क्या फाइल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ये जो इस तरह का डाटा है इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो आपको हेल्प करती है अपने फाइनल डिजाइन की तरफ आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि जिसमें आप देखेंगे कि उसमें डाटा यूजेज एंड वॉल्यूम एनालिसिस जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने जो डायग्राम है ये एक आपके पास ई आर ER डायग्राम है और जहरा कि यह आपका डेटाबेस डिज़ाइन है इसमें अगर आप देखें तो आपको जो एंटिटी टाइप्स नजर आ रही हैं उनमें पार्ट है पार्ट की फिर दो सब टाइप्स हैं मैनुफेक्चर और परचेज इसी तरह यहाँ पर एक हमारे पास एंटिटी टाइप है सप्लायर और सप्लायर चूँकि हैज़ ए मैरी टू मैनी रिलेशनशिप विद द परचेज पार्ट तो इसको जो कोटेशन है इसको एज एसोसिएटिव एंटीटी टाइप भी शो किया गया हुआ है तो ये बेसिकली एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है बिटवीन सप्लायर एंड परचेज इसमें अगर आप देखें कि जो हमारे पास एंटिटी टाइप्स हैं इन रेक्टेंगल्स के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं जो नंबर्स लिखे हुए हैं दे रिप्रजेंट वॉल्यूम साइज या आप कहें कि वो डाटा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी अगर आप देखें पार्ट को इसमें लिखा हुआ है कि थाउजेंड इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि इसमें टेंटेटिवली एक हजार रिकार्ड होंगे पार्ट के अंदर और अगर आप वही बात जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपको यह पता हो कि पार्ट के एक रिकॉर्ड का क्या साइज होगा तो अगर उस उसमें अप्रोक्सीमेटली हजार रिकॉर्ड होने देन यू कैन ईजीली कैलकुलेट वट वट वुड बी एन अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द पार्ट टेबल जब इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अल्टीमेटली फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में अब अगर आप एक और चीज देखें कि जो इसके सब टाइप्स हैं मैनुफेक्चर पार्ट और परचेज पार्ट इनके अंदर भी जो इसका डाटा वॉल्यूम है उसका साइज लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे जो आपके पास मैन्युफेक्चर है उसमें लिखा हुआ है फोर और परचेज में लिखा हुआ है सेवन हंड्रेड आप कॉन्शियस होंगे कि भाई ये क्या जो आपके पार्ट है वो तो थाउजेंड है लेकिन जब आप उसकी सब टाइप्स बनाते हैं वो है फोर और सेवन तो इन दोनों को अगर सम करें तो तो 1100 बन गए तो इसका क्या मतलब है कि सुपर टाइप में हजार और रिचे 1100 आप जो इसकी रीजन है वो भी इसी डायग्राम में अपेरेंट है और वो क्या है बिकॉज द नेचर ऑफ सब टाइप रिलेशनशिप इज ओवरलैपिंग यानी कुछ आपके पार्ट्स ऐसे होंगे जो एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चर्ड भी हैं और परचेज भी हैं इसलिए जो नंबर ऑफ जो टेंटेटिव नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो डाटा वॉल्यूम है आपकी सब टाइप्स में उनका सम जो है वो आपकी जो सुपर टाइप है उसके जो टेंटेटिव नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उनसे बढ़ गया है और आप फौरन जैसे ये सोच सकते हैं कि अगर ये सुपर टाइप सब टाइप रिलेशनशिप इसकी नेचर अगर डिसजॉइंट होती तो फिर पक्की बात है कि इनका सम जो है जो आपके सब टाइप्स हैं इनके डाटा वॉल्यूम का सम जो है मैक्सिमम वो उसके बराबर हो सकता था उससे ज्यादा नहीं हो सकता था और मैंने ये क्यों कहा कि मैक्सिमम बराबर हो सकता था इसलिए कि अगर इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है सुपर टाइप सब टाइप का अगर उसकी नेचर पार्शल है तो जाहिर है उसमें कुछ सुपर टाइप के इंस्टेंसेस ऐसे हो सकते थे दैट आर नॉट लिंक्ड विद इधर ऑफ सब टाइप्स इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में आपके जो सुपर टाइप के डाटा uh, वॉल्यूम है उसका जो वैल्यू है वो सब टाइप्स की डाटा वॉल्यूम के सम से ज़्यादा हो सकता है लेकिन अगर आप वो आ, टोटल है अगर टोटल है तो फिर जाहिर है कि जो आपकी सब टाइप्स की डाटा वॉल्यूम का सम है वो डेफिनेटली सुपर टाइप के डाटा वॉल्यूम के एग्जैक्टली के exactly बराबर होगा तो ये एक थोड़ी सी आ, टेक्निकल बातें हैं जिस पर आप आ, गौर करें तो आपको समझ आ जाएंगे ईजीली लेकिन आपको उनका पता होना चाहिए और ये इंफॉर्मेशन जो है ये डाटा आप वहाँ से डिडक्ट करिए वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन निकालें ओके इट इज ऑल इट इज ऑल देयर इन द डायग्राम आप उसको इस तरीके से देखना है इसी तरह अगर आप देखिए कि जो सप्लायर है सप्लायर में उसका जो डाटा वॉल्यूम है वो लिखा हुआ है 50 इसका मतलब है कि इसमें मैक्सिमम जो है नॉट मैक्सिमम इसमें अप्रोक्सीमेटली 50 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं इसी तरह अगर आप देखिए कि जो आपके पास कोटेशन है उसमें 2500 फाइव हंड्रेड हमारे पास लिखा हुआ वैल्यू के इसमें ट्वेंटी फाइव जो है वो रिकॉर्ड हो सकते हैं और उसमें अगर आप एक और रीजन देखें कि इसमें हमने ट्वेंटी फाइव हंड्रेड क्यों लिखा हुआ यहाँ पे तो एक देखें आपके जो आपके पास वन टू मैनी रिलेशनशिप शो किया गया हुआ है बिटवीन द सप्लायर एंड कोटेशन तो बाज दफा आप ये नोटेशन भी करते हैं कि आपने कहा कि जो हमारा मैनी रिलेशनशिप है उसकी आप एक अप्रोक्सीमेट अपर लिमिट शो कर देते हैं अब यहां अगर आप देखें कि बैनी के फिगर के साथ ब्रैकेट में फिफ्टी लिखा हुआ है इससे जाहिर हो रहा है कि जो आपके सप्लायर का एक इंस्टेंस है, वो मैक्सिमम फिफ्टी कोटेशन के से रिलेटेड होगा या आप यह कहें कि एक सप्लायर मैक्सिमम पचास कोटेशन देगा देगा वाली बात इतनी सही नहीं है बल्कि एक सप्लायर की एक वक्त में हम मैक्सिमम पचास कोटेशन स्टोर करेंगे इससे पहले कि वो पचास से इंक्रीज करें या तो हम रिमूव कर देते हैं या बैकअप ले लेते हैं तो कहने का मतलब यह कि हमारे डाटा बेस में एक सप्लायर के से रिलेटेड जो कोटेशन होंगी मैक्सिमम वो पचास पड़ी होंगी इसी बेसिस पे जो कोटेशन का जो डाटा वॉल्यूम है उसमें लिखा हुआ है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ये तो हो गया आपके पास डाटा वॉल्यूम अब दूसरी चीज इसमें आ जाती है यूजेज एनालिसिस जो आपके पास मुख्तफ इसमें टाइप्स हैं जो कि अल्टीमेटली रिलेश में और फिर वही फाइल्स में कन्वर्ट होंगी उनका यूजेज किसका किस तरह से होगा इसमें आप देखिए कि जो एरो हेड जो जो, जो, जो जो है है एरोडे आउटसाइड से आ रहे हैं वो आपको एरोशिएट हो कर रहे हैं कि इसका एरोज क्या होगा और वो पे एरो ड्रॉ गए हैं वो डैश्ड लाइन में शो किए गए हैं वो सॉलिड लाइन नहीं है अगर आप मिसाल के तौर पर स्टार्ट लें तो 200 लिखा हुआ है पार्ट के साथ यानी पार्ट जो आपकी रेक्टेंगल है एंटी टाइप उससे एक बाहर से एक एरो आ रहा है और उस पर लिखा हुआ टू हंड्रेड इसका मतलब यह है कि इस पे टू हंड्रेड एक्सेस हो रही हैं हो रही है से क्या मुराद इससे मुराद है कि एक खास टाइम में वो खास टाइम क्या हो सकता है दिस इज ओनली अप टू तो यू जो डायग्राम बना रहे हैं आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए आप टाइम क्या उस कर रखते हैं चाहे आप उसको एक घंटा कर लें दस मिनट कर लें दो घंटे कर लें दस घंटे कर लें पूरा दिन कर लें पूरा हफ्ता कर लें इट्स ओनली इट्स टोटली अप टू यू तो जो टाइम यूनिट आप डिफाइन कर लेते हैं कि वी आर वी आर डिनोटिंग द यूज एनालिसिस बेस्ड ऑन दिस टाइम टाइम यूनिट तो उस बेस में आप मिसाल के तौर पर फर्ज कर दिया कि एक घंटा तो उसमें यह है कि यह शो हो रहा है कि पार्ट जो आपका एंट्री टाइप है उस पर एक घंटे में 200 सौ क्यूरीज जो हैं या 200 सौ एक्सेस जो हैं वो आएंगे ओके उसके बाद अगर आप फर्दर देखें तो जो उसकी दो सब टाइप्स हैं उनमें से एक पे लिखा हुआ है सेवेंटी परसेंट एक पे लिखा हुआ है फोर्टी परसेंट फिर वही बात कि जब आपके पास जो कुल आ रही है सेवेंटी परसेंट एंड फोर्टी परसेंट जब इंक्रीज करके हंड्रेड से इसका मतलब यह है कि कुछ उसमें से ऐसी एक्सेस भी होंगी कि जो सेमटेलियसली दोनों के ऊपर आ रही हैं इसलिए इनका सम जो है वो इंक्रीज कर रहा है हंड्रेड से फिर इसके अलावा उन्होंने प्रिसाइसली लिखा हुआ है कि दो में से आपकी जो वन फोर्टी हैं वो आ रही हैं परचेज पार्ट के ऊपर

और उस पर लिखा हुआ है सिक्सटी इससे क्या है इससे है कि दीज आर इंडिपेंडेंट एक्सेसिस ऑन द परचेज पार्ट जो कि वाया पार्ट नहीं आ रही बल्कि डायरेक्टली वो परचेज पार्ट के ऊपर आ रही है उसके बाद अगर आप देखिए तो परचेज पार्ट और कोटेशन के दरमियान भी एक लाइन शो की गई है जिसके दोनों साइड पे एरो हेड है इससे मुराद यह है कि आपके कोटेशन से कोटेशन से आप परचेज पार्ट पे आते हैं यानी एक कोई बंदा अगर कोटेशन uh, वाले टेबल को एक्सेस करता है तो उसके साथ ही वो फोर्टी टाइम्स उस यूनिट टाइम के अंदर फोर्टी टाइम्स वो कोटेशन के साथ साथ परचेज पार्ट को भी एक्सेस करेगा यानी परचेज पार्ट पे जो एक्साइस आ रही हैं वो कोटेशन की तरफ से उस यूनिट टाइम के अंदर फोर्टी आ रही हैं इसी तरह अगर आप देखें इसी एरो के जो दूसरी साइड पर लिखा हुआ है एट्टी इससे क्या मुद्दा है कि परचेज पार्ट से आप जा रहे हैं कोटेशन के ऊपर 80 टाइम्स उसी यूनिट टाइम में जो आपने भी हमने कहा था कि हमने घंटा लिया हुआ है एक घंटा लिया हुआ है तो उस एक घंटे में आपके जो परचेज पार्ट है उससे आप परचेज पार्ट से कोटेशन में जा रहे हैं एटी टाइम्स अब देखिए जो आपका परचेज पार्ट है इस इसमें कितनी एक्सेसिस हो रही हैं कुछ एक्सेसिस इसके ऊपर आ रही हैं वाया पार्ट 140 कुछ इसकी जो एक्सेसिस हैं वो इंडिपेंडेंटली इसी के ऊपर आ रही हैं 60, और कुछ इस पे जो हो गया होगा कि आपका कौन सा ऐसा टेबल है तो ऑब्वियसली आपको अंदाजा होगा कि आप सोच सकेंगे कि भाई हमें इसके बारे में या इनकी के बारे में इनके डाटा जो है उसकी सिक्योरिटी के बारे में वी नीड टू बी मोर केयरफुल क्योंकि जिसपे ज्यादा एक्सेस हो रही है मोस्ट लाइकली उस पर ज्यादा डैमेज uh, होने के भी चांसेस हैं उससे ज़्यादा और उसकी ज़्यादा हमें स्पीड वाइज भी उससे एफिशियन करना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है कि ताकि वहाँ पर अगर वो स्लो होगा तो आपकी तमाम बाकी जो एक्सासीज हैं उनकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है आप इसी तरह देखिए कि कोटेशन और सप्लायर के दरमियान जो अपन कोटेशन को एक्सेस करती है उसके बाद वो सप्लायर पर जाती है और 70 एक्स जो है वो जाती हैं जो सप्लायर पे वो जाती हैं वाया कोटेशन इसी तरह सप्लायर से आपके पास फोर्टी जो एक्सेसिस हैं वो आती हैं कोटेशन के ऊपर लेकिन इसके अलावा सप्लायर के ऊपर सेवेंटी फाइव इंडिपेंडेंट एक्सेसिस भी आती हैं तो ये आपके सामने जो पूरी एक डायग्राम है वो इस तरीके से आप उसको एस्टेबलिश करेंगे और फिर जब बाद में आप उसको खुद देखेंगे या कोई और देखेगा या या जब आप किसी से डिस्कस करेंगे तो इस तरह से इसको आप इंटरप्रेट करेंगे कि जिससे आपको अपने डेटाबेस के एज ए होल वॉल्यूम का भी नजर हो जाएगा और उस पर जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं जो एक्सेस हो रही हैं उनका नजर हो जाएगा और जो आपके इंडिविजुअल टेबल्स हैं उनके भी वॉल्यूम का और उनप जो एक्सेस हैं उसका अंदाजा हो जाएगा डिजाइनिंग फील्ड्स ये नेक्स्ट फेज है आपके फिजिकल डाटा डिज़ाइन का कि आपने एक दफा अगर कर लिया डाटा यूजेज एंड वॉल्यूम एनालिसिस वो हो गया अब आप इस फेज बैंट ये स्टेप है अब फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एप्लीकेशन डाटा कोरोस्पॉन्ड टू ए सिंपल एट्रीब्यूट फील्ड भी आप ये कह सकते हैं कि वो एट्रीब्यूट ही है लेकिन वो फील्ड को हम ज़्यादा जो फिजिकल या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसमें उसको फील्ड कहते हैं जब अल्टीमेटली ये आप डिस्कस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं उस चीज़ की जो कि अल्टीमेटली जाके स्टोर होनी है उस रिकॉर्ड के अंदर तो एट्रीब्यूट में और जो आपका फील्ड है बज दफ़ा उसमें फ़र्क पड़ जाता है मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ कहा गया कि जो आपका आ, जो एक कंपोजिट uh, एट्रीब्यूट है वहां पर तो आप कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं लेकिन यहाँ पे कंपोजिट फील्ड की बात नहीं करते क्योंकि फील्ड जो है अल्टीमेटली वो आपके जो फाइनल जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं उनसे करस्पॉन्ड करता है इन वॉल्व्स डिफरेंट डिसीशन अबाउट फील्ड्स इस फेज में अब पहली बात जो हमने फील्ड्स के बारे में डिसाइड करनी है वो है डेटा टाइप पहली बात यह है कि डाटा टाइप होती क्या है डेटा टाइप की जो प्रॉपर डेफिनेशन है जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपने लाजमी तौर पर पढ़ी होगी अपने डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में हो सकता है कि इससे कोई डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ी हो या डिफरेंट मीनिंग लिया हो लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप उसको उस डेफिनेशन से उस मीनिंग से रिलेट कर लें तो आपको ये मजदीद से बेहतर समझ आ जाएगी डेटा टाइप इज डिफाइंड एज सेट ऑफ वैल्यूज अलॉन्ग विद द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दैम यानी जब आप बात करते हैं डेटा टाइप की तो वैल्यूज और उनके ऑपरेशंस दोनों मिला के दे आर कॉल्ड ए डेटा टाइप मिसाल के तौर पे अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बात रेफरेंस से बात करें सी के रेफरेंस से बात करें फॉर एग्जांपल या तो सी प्लस प्लस में आप कहते हैं इज ए डेटा टाइप इंटीजर तो क्या है जो ही आपने कहा इंटीजर इसका मतलब है कि एक सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज जब आप किसी वेरिएबल को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करते हैं तो वो इन वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ले सकता है तो ये कहलाएगा उसका सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज या इसको आप डोमेन भी कह दें उसका और फिर उसके ऑपरेशन कि अगर आपने कहा इंटीजर डेटा टाइप तो उसमें यह डिफाइंड है कि आप ये 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 ऑपरेशन कर सकते हैं सेम इज द केस विद फ्लोट कैरेक्टर या बाकी जितनी भी डेटा टाइप्स हैं तो जब आप डाटा टाइप किसी की आ, किसी फील्ड की डिटर्मिन करते हैं तो बेसिकली आप उसके साथ वो जो डोमेन है एक वो एसोसिएट कर रहे हैं कि इस फील्ड को हम ये इसकी लीगल वैल्यूज हैं वो इसके अलावा आप कोई उसको उससे बाहर वैल्यू नहीं दे सकते तो ये यानी उसका जो हम बात कर रहे थे कि फील्ड डिजाइनिंग में ये एक स्टेप है कि उसकी आपने डाटा टाइप सेलेक्ट करनी है प्रिसाइजली डिपेंड्स ऑन द डी बी एम एस यानी हम किसी फील्ड को क्या डेटा टाइप एलोकेट करेंगे यानी हमारे जहन में ये तो है कि भाई इसकी इस तरह की टाइप होगी मिसाल के तौर पर हमने कहा कि सैलरी नमारी होगी वैल्यू या अगर हम कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ जॉइनिंग डेट टाइप होगी लेकिन प्रोसाइजली क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे उसका नाम क्या होगा ये डिपेंड करता है डी बी एम एस के ऊपर मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि आ, अगर आप सिकल सर्वर को देखें एसक्ल सर्वर उसके अंदर हो सकता है कि आपको मिले नंबर मिले या उसमें आपको इंटीजर मिले इसी तरह उसमें आपको टेक्स्ट मिले और करेक्टर मिले लेकिन जब आप ऑराकल में आए तो वहां पे आपको varchar2 या ऐसी कोई चीज मिले तो कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली आप नाम क्या इस्तेमाल करेंगे दिस डिपेंड्स अपॉन द डीबीएमएस लेकिन जहां पे आप आ, के ज़हन में तो है कि हमने इसको ये टाइप देनी है लेकिन एग्जैक्टली वर्ड कौन सा होगा डिपेंड्स ऑन द डीबीएमएस अब जिस वक्त आपने डेटा टाइप उसको एलोकेट करनी है किसी फील्ड को तो इसमें जब आपने इन बातों का ख्याल रखना आपने ये आपके ऑब्जेक्टिव ये हैं पहला क्या है कि मिनिमाइज स्टोरेज स्पेस आपने ये देखना है कि जिस फील्ड को हम डिजाइन करने जा रहे हैं इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं या ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है और बात यह कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि आपने सिर्फ उसी करंट सिचुएशन को नहीं देखना है यू हैव टू कंसिडर सम फ्यूचर एक्सपेंशन एज वेल कम अज कम चार पांच छह साल जो आइंदा आने वाले जो हैं उनका ख्याल करते हुए आपने लेकिन ये भी नहीं करना कि पचास साल बाद का सोच लें क्योंकि पचास साल बाद तो पचास साल तो पचास साल बाद ही आएंगे ना तो आपने अभी से उतनी तैयारी शुरू कर दी ऐसा नहीं है एक रीज़नेबल हद तक ये आप खुद से एस्टिमेट कर लें या आप डिस्कस करें यूजर, यूजर के साथ एक चार पाँच छः इतने सालों तक का आप देखें कि कितनी इसमें एक्सपेंशन हो सकती है तो उतनी रिक्वायरमेंट को आप देखें डोंट मेक इट सो मच टाइट कि कल को या दो हफ्ते बाद ही फ़र्ज करें आपने सोचा कि आप फ़र्ज करें कि हमने कहा कि एज है एज में आपने सोचा कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं फर्ज करें एग्जाम सिस्टम में वो आ सकते हैं फर्ज़ क्या पच्चीस तक ना उसकी उम्र पच्चीस साल तक हो सकती है ये रूल तो नहीं था आपने उसको पच्चीस से फिक्स कर दिया एक स्टूडेंट ऐसा आ गया जिसकी उम्र फर्ज करें छब्बीस साल थी तीस पैंतीस चालीस को छोड़े जस्ट जस्ट छब्बीस साल थी अब चूंकि आपने उसको पच्चीस पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया अब पता चला कि जी आपका डाटा बेस कह रहा है कि इस स्टूडेंट को तो मैं दाखिला नहीं दूंगा यारा तैयार है दाखिला देने को आपका सिस्टम राजी नहीं है उसको एंटर करने में और जब तक वो स्टूडेंट का डाटा सिस्टम में नहीं जाएगा तो आपके सिस्टम के लिहाज से वो स्टूडेंट तो आपका स्टूडेंट ही नहीं है इसलिए आप अपने इसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रखें कि थोड़ी सी इसमें एक्सपेंशन की गुंजाइश हो तो आप बिल्कुल इसको टाइट मत कीजिए उसमें जो मिनिमम यानी आपके पास जो स्टोरेज जितनी आप ले सकते हैं जो ऐसी टाइप जो कि उस पे कम से कम जगह ले उसको आप लें मिसाल के तौर पर आप देखें आपके पास नंबर की नंबर को स्टोर करने के लिए जनरली लैंग्वेज में आपके पास बाइट भी होता है इंटीजर भी होता है लॉन्ग इंटीजर भी होता है अब आपके पास ये तीनों टाइप्स क्या करती हैं दे प्रोवाइड यू डिफरेंट साइज डिफरेंट डोमेन कि किसी में आप जो है वो वैल्यू यहां से के यहां तक दे सकते हैं किसी में आप यहां से यहां दे सकते हैं अब फर्ज करें एक जगह जहां पर कि आपको एज स्टोर करनी है वहां भी आप डिफाइन कर दे लॉन्ग इंट आप कहें जी ठीक है अच्छा है अब लॉन्ग इंट जो है वो तो उसमें करोड़ों यानी कि जो करोड़ों तक की अरबों तक की वैल्यू वो स्टोर हो सकती है अब आपने क्या सोच के उसमें करोड़ों तक की ओर डाली थी अगर तो गैलेक्सी की एज थी फिर तो हो सकता था लेकिन अगर आपने किसी स्टूडेंट्स की एज डालनी थी तो स्टूडेंट की एज के लिए आपने लॉन्ग एट क्यों रखा था अगर आपने ऐसा कर लिया बेसिकली यू वेस्टेज द स्टोरेज इसलिए जिस भी आप फील्ड को देखें आप देखें कि उसकी वैल्यू कहाँ तक एक्सपेंड कर सकती है मैक्सिमम रेंज उसका क्या है उस रेंज को जितना स्टोरेज साइज मिनिमम फिट कर सकता है आप वो उसको टाइप दीजिए उसके बाद साथ ये भी है रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल वैल्यूज वही बात है ऐसे ने अभी आपसे कहा कि ये भी देखिए कि वो आप सिर्फ स्टोरेज को स्क्ज करते करते ये ना हो कि ऐसी कोई आप हरकत कर बैठे कि जो एक पॉसिबल वैल्यू जो कि वो फील्ड ले सकता था आपने उसकी गुंजाइश नहीं छोड़ी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है अभी इस एज की 25 से 26 की कि कभी वो 25 से 26 भी अगर होने की कोशिश करे पता चले उसमें गुंजाइश नहीं है ऐसा नहीं है बल्कि करंट और फ्यूचर नीड्स के मुताबिक उसमें ये हो गुंजाइश के वो जो पॉसिबल वैल्यूज है उसमें अकोमोडेट हो सके इंप्रूव डाटा इसमें यह है कि आप ये देखें कि उसमें जो डाटा मूव हो वो उसी तरह का हो कि जैसा उसमें होना चाहिए मिसाल के तौर पे आपने कहा एज अब एज अगर आपने डिफाइन करनी है तो उसमें आप ये कोशिश करें कि डाटा ऐसा जाए कि जो वाकई एज हो देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है इससे फर्क ये पड़ता है कि अगर आप फर्ज करें कि आपने कहा कि एज है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ फर्ज करें एज क्यों कि जो आपके वन टू थ्री फोर जो आपके नंबर्स जो डिजिट्स हैं दे कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज टेक्स्ट लेकिन जब आपने उसको टेक्स्ट डिक्लेयर कर दिया या आपने उसको फर्ज़ करें अल्फानमेरिक डिक्लेयर कर दिया उससे तो प्रॉब्लम यह होगा कि अगर कोई बंदा गलती से एज एंटर कर देता है एक्स वाई जेड ए थ्री एल्फा ब्रावो ऐसी कोई चीज एंटर कर देता है तो अगर आपने उसकी टाइप इस तरह की रखी हुई है तो आपका डी बी एम एस इतराज़ नहीं करेगा क्यों कि जो आपने उस एल्ड की लीगल टाइप डिक्लेयर की हुई थी द वैल्यू दैट इज बिंग करंटली एंटर्ड दैट इज लीगल अकॉर्डिंग टू दैट डेटा टाइप तो इसलिए आप जो अगर आप ऐसे कोई चीज करते हैं तो बेसिकली आप ये प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं कि जो डाटा इंटैग्रिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए वो गड़बड़ हो जाए देखें अब यहां पे आपने जहन में ये कभी मत लाइएगा कि जी कौन होगा या कैसे हो सकता है कि एज में कोई बंदा एक्स वाई जेड एंटर करे ये कैसे हो सकता है ये हो सकता है देखिए एक जो बहुत इसमें जो अजीब बात है या इसको खतरनाक भी कहना चाहिए बात को वो ये है कि सिस्टम एक बंदा डेवलप करता है और इस्तेमाल उसे कोई और करता है अब जो बंदा इसको डेवलप कर रहा है ही इज वेरी मच फेमिलियर विद द सिस्टम वो उसे तमाम इज एंड आउट को जानता है ही नोज द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम कि इस तरह सिस्टम कैसे बिहेव करेगा कैसे बिहेव करेगा और एक और बात यह है कि दैट इज ए कंप्यूटर प्रोफेशनल वो कंप्यूटर के बारे में जानता है उसे पता है कि एज है तो उसमें मुझे नंबर देना चाहिए बट माइंड इट जो बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा हो सकता है कि वो उसे बिल्कुल ही फेमिलियर ना हो कंप्यूटर से और इस तरह की बातें उसको इसका एहसास ना हो इसका पता ना हो और फर्ज के पता भी हो देर इज ऑलवेज चांस ऑफ ए मिस्टेक ऑफ एन एरर तो आपने उन तमाम पॉसिबिलिटीज को जो है वो टेक केयर करना है तो ये भी उसका एक तरीका है कि आप उसमें जो उसकी डाटा इंटेग्रिटी है उसको यू मेंटेन करें कि डाटा उसमें वही मूव हो एक डाटा के अंदर जो कि लीगल है जो करेक्ट है जो पॉसिबल है जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दी है ऐसा मत कीजिए सपोर्ट ऑल डाटा मैनिपुलेशन ये भी उसी से लिंक्ड है कि एक डेटा टाइप के ऊपर या एक फील्ड के ऊपर जिस तरह के ऑपरेशन पॉसिबल हैं उस में द दैट यू आर वर्किंग इन जो टाइप आप एलोकेट करें फील्ड को वो डाटा टाइप उन तमाम ऑपरेशन को सपोर्ट करती हो या उस डेटा टाइप पे वो ऑपरेशन हो सकते हो अभी देखिए जैसे मैंने डिफाइन किया था डाटा टाइप को मैंने कहा था कि डाटा टाइप इज ऑपरेशंस एंड वैल्यूज वैल्यूज एंड ऑपरेशंस तो क्या बताया कि आप डाटा टाइप के साथ जो लीगल एसोसिएटेड ऑपरेशन हैं वो डिफाइंड तो है कि इस डाटा टाइप के ऊपर ये ये ऑपरेशन हो सकते हैं अब आपने देखना है कि जो फील्ड को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं उसको मैं एक डाटा टाइप एसोसिएट करने जा रहा हूं उस फील्ड के ऊपर किस तरह के ऑपरेशन होते हैं इस एनवायरमेंट में उनके मुताबिक यू सेलेक्ट ए डाटा टाइप यानी वैल्यूज भी आप कंसिडर करें और ऑपेशन भी कंसिडर करें मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपसे कहा कि बेसिक सैलरी है अब बेसिक सैलरी आपकी एक अगर आप कैंट्रीब्यूट है किसी एम्प्लॉय का उसके बेस पे आपने उसके इंक्रीमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है करें तो उसके लिए जाहिर है कि आपको मैथमेटिकल उस पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो अगर आपने उसको स्टोर कर दिया सॉर्ट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर या टेक्स्ट के तौर पे तो फिर टेक्स्ट जो आपकी डेटा टाइप है वो मल्टीप्लीकेशन वगैरह तो सपोर्ट नहीं करती तो फिर आप क्या करेंगे तो फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा तो उससे बेहतर यही है कि आप उसको ऐसी डेटा टाइप एलोकेट कर दें कि जिसमें उस तरह के ऑपरेशन लीगल हों पॉसिबल हों कि जो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर करने पड़ते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बेसिकली ये चार ऑब्जेक्टिव थे कि जो आप सेलेक्ट करते हैं जिनको मद्देनजर रखते हैं वाइल असाइनिंग ए डेटा टाइप टू ए पर्टिकुलर फील्ड आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे कोडिंग टेक्निक्स अगेन इससे मुराद जो है वो स्टोरेज एफिशिएंसी यानी आपको जिस जगह पे डाटा स्टोर करना है वहाँ पे आप अगर किसी जगह ये देखें कि हम कोडिंग के ज़रिए हम अपनी जो स्टोरेज है उसको सेव कर सकते हैं ज़्यादा एफिशिएंटली स्टोरेज वाइज स्टोर कर सकते हैं तो वहाँ पे आप कोडिंग जो है वो अप्लाई करें कोडिंग की बहुत सी टेक्निक्स पॉसिबल है लेकिन उसमें आइडिया यही है कि एक्चुअल वैल्यू की जगह हम कोड स्टोर कर दें से क्या होगा स्टोरेज वाइज थिंग्स बिकम स्मार्टर आइए देखते हैं वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट विद स्मॉल डोमेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय कोड्स माइंड एट स्मॉल डोमेन्स जिस एट्रीब्यूट जिस फील्ड uh, की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कम हैं उस केस में आप कोड इस्तेमाल कीजिए देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऑल दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस आपको कोई नहीं कहेगा कि यहां पे कोड इस्तेमाल करो या ना करो दिस इज प्योरली योर ओन डिसीजन एज ए डिजाइनर एज ए डिवेल्पर तो जिस केस में जो एक एट्रीब्यूट है उसकी पॉसिबल वैल्यू स्मॉल है और ऐसे बहुत से एट्रीब्यूट हो सकते हैं अगर आप देखें मिसाल के तौर पे अगर आप सैलरी देखें सैलरी एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि जिसका जो पॉसिबल वैल्यू थोड़ी नहीं है बहुत ज्यादा पॉसिबल है एक वाइड रेंज है मुझसे तो कोई सी वैल्यू भी हो सकती है ऐसे अगर आप देखें नेम देखें थिंक ऑफ नेम कोडिंग द नेम्स ऑनलाइस को बहुत ही स्पेसिफिक एनवायरमेंट हो नेम्स की इतनी ज्यादा पॉसिबल वैल्यूज है कि अगर आप उसको कोड करने बैठ जाएंगे तो दैट वॉन्ट हेल्प यू टू मच इसलिए नेम्स की कोडिंग भी नहीं हो सकती जिनकी कोडिंग हो सकती है उसकी एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है एक कोड्स कैन बी स्टोर इन ए लुक ऑफ टेबल और कैन बी हार्ड कोडेड यानी कोड आप क्रिएट करें जिनकी जिस एटीट्यूड की वैल्यूज कम है पॉसिबल उसमें आप यानी कोड उसको डिफाइन कर लें और कोड को और उसकी जो एसोसिएटेड वैल्यू है उसके एक सेपरेट टेबल बना लें और जो आपकी एक्चुअल टेबल है जिसका कि वो फील्ड है वहां पे सिर्फ कोड स्टोर करें लेकिन एक कोड के गेस्ट वैल्यू कौन सी है उसके लिए आप उस टेबल को रेफर करें तो इस टेबल को जनरली हम लुकअप टेबल कहते हैं और ये टेबल ऐसे हैं कि जो जनरली आपको जो डिजाइन है डेटाबेस का उस पर शो नहीं होते ये आप जो ये स्टेज है आपकी फिजिकल डेटाबेस डिजाइन की इनको आप यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पे क्रिएट करते हैं तो ये आपको इस डिजाइन में नहीं आते मिसाल के तौर पे अगर आप देखें जैसे हम कहें कि एज ग्रुप एक हमारे पास एज ग्रुप हम कहते हैं किसी कोई हमारे पास सही जगह लोगों का डाटा है फर्ज किया उस पर फैमिली मेम्बर्स हैं कोई लोग हैं हम कहते हैं एज ग्रुप कितने उसमें फर्ज हम कहते हैं जी के बच्चा नौजवान जवान बुढा और मरहूम फर्ज की हमारे पांच पाँच यानी पॉसिबल स्टेटस हैं किसी भी बंदे के तो बच्चा अगर हम लिखें तो उसमें देखें बी ए सी एच सी एच ए इसमें कितने कैरेक्टर्स हो गए दो 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 छः और एक सात सात करेक्टर इसमें हो गए नौजवान में फर्ज के सात आठ है तो फर्ज क्या जवान में और बुड्ढा में मरहूम में अब इनमें से हर एक में कम अज कम अराउंड अबाउट पांच से लेकर आठ तक तो आपके पास करेक्टर्स हैं अब हर फर्ज के हमारे पास लट्स है पंद्रह हजार रिकॉर्ड हैं पंद्रह हजार्ड में हर जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें एक न इनमें से पाँच में से स्टेटस आना है तो बजाय इसके कि हम हर एक रिकॉर्ड में ये सात या आठ करेक्टर स्टोर करें हम क्या करें कि हम इनकी कोडिंग कर लें फर्ज करें कि बी के लिए बच्चा के लिए बी कर लें या उसको वन कर लें या ए कर लें ऐसे ही नौजवान के लिए जवान के लिए बुढा के लिए मुरुण के, के लिए तो ये आप पांच सिंगल करेक्टर डिफाइन कर लें खुद से आपके अपने ऊपर है कैसे कोडिंग करते हैं उसके बाद आपके जो पंद्रह हजार हैं अब हर रिकॉर्ड में बजाय छ सात आठ कैरेक्टर स्टोर करने के छह सात आठ अल्फाबेट स्टोर करने के यू आर स्टोरिंग जस्ट वन कैरेक्टर तो उसे आप सोच सकते हैं कि ऑन एवरेज आप हर रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो रफली लट्स ए के बचा रहे हैं छह स्पेसिस बचा रहे हैं तो पंद्रह हजार पर कितने बचाएंगे सो so मैनी और फर्ज करें नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपके और इंक्रीज कर जाए तो फिर कितने ज्यादा तो इस तरह यानी आप आपको कर सकते हैं और इसकी एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर है इसमें देखिए कि हमारे पास टेबल है स्टूडेंट का इसमें हमने इसको शॉर्ट करने के लिए जस्ट तीन एट्रीब्यूट लिए हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और हॉबी अब हॉबी में अगर आप देखें तो हमारे पास है रीडिंग गार्डनिंग मूवीज इसके अलावा हो सकता है कि इसमें दो तीन चार और हॉबीज भी जो जनरली लोगों की होती हैं वो शामिल हो इसके अंदर ना तो अब देखें अगर गार्डनिंग को देखें तो इसमें दो चार छः आठ नौ इसमें नौ कैरेक्टर्स हैं अगर फर्ज करें अगर लाहौर का सोचे तो तौर पर इसमें काइट फ्लाइंग तो बड़ी कॉमन से एक हॉबी है तो काइट फ्लाइंग तो गार्डनिंग से भी ज्यादा एक बड़ा मतलब वर्ड हो जाएगा तो इस तरह से आपको अगर इसको प्रॉपर पूरे वर्ड को या पूरी हॉबी को स्टोर करें तो आपको ज्यादा स्पेस चाहिए होगी लेकिन इसकी कारण कोडिंग कर लें लाइक like दिस कि हमारे पास हॉबी हमने एक अलग टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें सिर्फ क्या है कोड और हॉबी वहां हमने कह दिया कि आर इज फॉर रीडिंग जी इज फॉर गार्डनिंग एंड एम इज फॉर मूवीज और लाहौर को देखते हुए यहां पर अगर हम के भी स्टोर कर लें फॉर काइट फ्लाइंग तो ये हमारा एक बन गया एक लुकअप टेबल अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के डाटा की तो अब वहां पर देख रहे हैं कि हॉबी का जो हमारा एट्रीब्यूट है उसमें बजाय कम्प्लीट वैल्यू स्टोर करने के वी हैव जस्ट स्टोर द कोट्स और आप खुद ही यहाँ पे कंपेरिजन आपके सामने हो सकता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो रिस्पन ज्यादा स्पेस ले रही है बल्कि काफी ज्यादा स्पेस ले रही है और जो आपका कोड है इस केस में सिर्फ एक करेक्टर का है इसीलिए आपसे कहा गया था कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द कोड सिंपल एंड नंबर ऑफ कोड स्मॉल वी हैव टू यूज द कोडिंग ओनली ऑन दोज पॉसिबल वैल्यूज जिस केस में हजारों लाखों मुखलिफ वैल्यूज पॉसिबल है उस केस में कोडिंग आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए आई होप के कोडिंग का जो पर्पज है या जिसका अप्रोच uh, है आपको समझ आ गई होगी कंट्रोलिंग डाटा इंटेग्रिटी कंसर्न द पॉसिबल वैल्यूज दैट अ फील्ड कैन अस्यूम देखिए जिस वक्त हमने डेटा टाइप की बात की थी तो वहां मैंने आपसे कहा कि वहां आपने एक तो उस पर पहले ही आपने जो उसकी इंटेग्रिटी की जो थी कंडीशन वो इंपोज कर दी है यानी डिफाइनिंग ए डाटा टाइप फॉर ए फील्ड इज ऑल्सो अप्लाइंग ए कॉन्स्ट्रेट ऑन दैट फील्ड यानी जिसको आपने कह दिया कि दिस इज ऑफ टाइप नंबर अब ये बात पक्की है कि उसमें आप ए बी सी डी कुछ एंटर नहीं कर सकते उसमें कॉमा डॉट प्लस माइनस एंटर नहीं कर सकते जिसको आपने कह दिया डेट पक्की बात है उसमें ए बी सी डी एंटर नहीं हो सकता उसमें पांच डिजिट कंजेक्टिव एंटर नहीं हो सकते लाइक like दैट तो डिफाइनिंग या एसोसिएटिंग ए डेटा टाइप विद ए फील्ड इज फर्स्ट स्टेज ऑफ एनफोर्सिंग द इंटैग्रिटी कंट्रोल ऑन दैट फील्ड इसके अलावा भी इसमें जो है ना वो इंटेग्रिटी कंट्रोल कुछ मैटर करते हैं वो यहां पर डिस्कस हो रहे हैं यानी डाटा टाइप के अलावा जो बाकी इंटेग्रिटी कंट्रोल आप डिफाइन कर सकते हैं वो है डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू से मुराद यह है कि अगर एक एट्रीब्यूट है उसकी हम स्पेसिफिकली कोई वैल्यू ना दें तो उसमें क्या वैल्यू जानी चाहिए अब इस ये चीज इस लिहाज से क्रिटिकल है कि जनरली तो ये होता है कि इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ ए फील्ड वेन यूर एंट्रिंग द डाटा तो उसकी वैल्यू जो एस्यूम की जाती है दैट इज नल और माइंड नल जो है वो जीरो या खाली जगह नहीं है क्योंकि नल इज़ ए स्पेसिफिक वैल्यू और जो कि रिलेशनल डी बी के अंदर उसकी खास सिग्निफिकेंस है कि ये नल है नल मीन्स नॉट डिफाइंड नॉट गिवन नॉट देयर थिंग ठीक है फर्ज करें अगर एक नंबर टाइप का सैलरी है सैलरी में अगर जीरो लिखा हो या नल लिखा हो दे मीन टू डिफरेंट थिंग क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जीरो का खास मतलब है जीरो खास वैल्यू है लेकिन नल का मतलब यह है कि नो वैल्यू नॉट गिवन नॉट डिफाइंड तो अगर आप फर्ज करें कि डाटा एंटर कर रहे हैं आप स्टूडेंट का डाटा एंटर कर रहे हैं आप स्टूडेंट आई मिस करें मिस नहीं कर सकते क्योंकि प्राइमरी की मैं नल नहीं हो सकता आपने स्टूडेंट आई दे दी आपने स्टूडेंट फर्ज का नेम भी दे दिया फर्ज करें उस वक्त आपने किसी रीजन की बेस पे जो स्टूडेंट का एड्रेस है वो एंटर नहीं किया था नहीं या इस वक्त जरूरत नहीं है जल्दी में वट एवर आपने स्टूडेंट का एड्रेस एंटर नहीं किया तो जब आपने इसको अगर खाली छोड़ दिया जिसको आपने खाली छोड़ दिया वहां पर आ जाएगा नल ये एक जनरल अप्रोच है अब लेकिन बाज चीज़ों में आप चाहते हैं कि नहीं वो अगर मैं किसी को खाली छोड़ दूं तो उसके अंदर ये वैल्यू आ जानी चाहिए उसकी बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती है मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक जो हमारा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें हम कहते हैं कि स्टूडेंट जो एंटर होते हैं मोस्टली उनकी उम्र जो है वो हर कैम अगर स्कूल की बात करें तो बच्चे आते हैं तो मोस्टली उनकी उम्र पांच साल होती है तो अगर हम कोई बच्चा ऐसा है कि जिसकी उम्र पाँच साल नहीं है फर्ज किया किसी माँ को बहुत शौक था पढ़ाने के जल्दी वो ढाई साल की उम्र में ले आई स्कूल वाले अगर स्मार्ट होंगे तो इनकार कर देंगे लेकिन बाद जो स्मार्ट नहीं होते कहेंगे अच्छा से ले आओ ढाई साल के बच्चे को अगर आप पढ़ाना चाहती तो हमने पढ़ाने के लिए तैयार हैं तो अब बच्चा आ गया ढाई साल का तो इस केस में आप उसी फिर उम्र एंटर करेंगे ढाई साल लेकिन जो रूटीन में आपके नॉर्मल जो नॉर्मल माएँ हैं वो पाँच साल की उम्र में अगर लेके जा रही हैं तो फिर उसमें आपको स्पेसिफिकली वैल्यू एंटर करने की जरूरत नहीं है आप उसको छोड़ दें और जो डी बी एम एस है ऑटोमेटिकली उस रिकॉर्ड में उस फील्ड में वो डिफॉल्ट वैल्यू जैसे इस केस में हमारी अगर पांच साल थी वहां पांच प्लेस कर देगा तो इस तरह से दिस इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ इंटाग्रिटी चेक आपको एडवांटेज क्या है कि ये फील्ड आपका अनडिफाइंड नहीं जाएगा विदाउट ए वैल्यू नहीं जाएगा बट देयर विल ऑलवेज बी अ वैल्यू इधर जो एंटर स्पेसिफिकली खुद से माइंड इट डिफॉल्ट वैल्यू उसी वक्त आपकी इफेक्टिव होगी वैन यू डू नॉट एंटर द वैल्यू स्पेसिफिकली जो ही आप वहां पे कोई वैल्यू एंटर करते हैं द डिफॉल्ट वैल्यू इज ओवर डन उस वक्त ये नहीं होगा कि क्योंकि जो डिफॉल्ट वैल्यू तो पांच कह दी है अब बच्चा को ढाई साल का आ गया था नहीं जी मैं तो पांच ही लूंगा नहीं ऐसा नहीं है जिसमें आपने वैल्यू एंटर कर दी वहां पर वही वैल्यू आएगी जो आपने एंटर की है लेकिन अगर आप एक वैल्यू एंटर नहीं करते तो वहां पर आ जाएगी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इसको इतना इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वैसे तो हो सकता है कि आप में से मैक्सिमम लोग डिफॉल्ट वैल्यू के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो लेकिन जो लोग इससे फेमिलियर नहीं हैं उनके लिए ताकि उनको अंदाजा हो जाए कि डिफॉल्ट वैल्यू का क्या रोल होता है और आपको ये कैसे डिफाइन करनी चाहिए अगेन डोंट डूट योर सेल्फ ऑलवेज आस्क द यूजर्स ऑफ द सिस्टम जिनके लिए आप सिस्टम बना रहे हैं उनसे पूछें कि सैलरी फर्ज करें सैलरी आप कहेंगे जी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है अगर वो आपको जो कहें वो कर दें ये ना हो कि वहां पे तो बाय डिफॉल्ट 2000 होती है और आप अपनी मौज में आके उसको 20000 कर दें तो ऑलवेज आस्क देम रेंज कंट्रोल फिर वही बात कि अगर आपने किसी को नंबर तो डिक्लेयर कर दिया फॉर एग्जाम्पल तो सैलरी है अब सैलरी आपकी जो है वो अगर आप कहते हैं कि ठीक है नंबर तो है आपने कहा कि जी हमारे पास जो आ, एम्प्लॉयज की सैलरी वो फाइव डिजिट तक जा सकती है यानी दस हज़ार हो सकती है ग्यारह हजार बारह हजार इट कैन गो अपू नाइन्टी नाइन थाउजेंड सवाल यह कि जब आप फाइव डिजिट का उससे कहते हैं तो वो तो निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे तक चली जाएगी लेकिन कंपनी तो इतनी जनरस नहीं होती कि वो इतनी तनखा अगर किसी को दें कहते नहीं हमारे पास जो है ना वो मैक्सिमम लिमिट जो है वो पच्चीस हज़ार तक है वैसे दे तो हम छः हजार हैं लेकिन चले हम अपना लिमिट पच्चीस हज़ार रख लेते हैं तो उस केस में आप ये एक और तरह का एक इंटेग्रिटी चेक है कि आप ये कंट्रोल करें कि गलती से भी इसमें वैल्यू जो है वो अगर कंपनी कहती है कि हमारी 25,000 तक हमारा कोई भी पोला ले सकता है तो गलती से वो को इसमें कोई 26,000 कोई 50,000 हजार पचहत्तर हजार या अस्सी हजार ना एंटर कर दे तो इस चीज को करने के लिए ये आप पास फर्दर एक चेक है कि फर्स्ट टू डिफाइंड द डाटा टाइप कि ठीक है नंबर है और इतने डिजिट का होगा फिर आपने ये कह दिया कि नहीं इस डिजिट के अंदर भी इतने भी नंबर्स के अंदर भी इसका ये रेंज है जैसे हम एज की बात करें कि अगर आपने नंबर कह भी दिया साथ ही आपने कह दिया कि ठीक है इसका जो मतलब मैक्सिमम वैल्यू है वो इसकी हम कहते हैं फोर्टी है या फिफ्टी है ताकि ऐसा ना हो कि आपने नंबर कह दिया तो पता चले स्टूडेंट की जो एज है वो टू हंड्रेड इतना एंटर हो गई है तो ये भी एक लिहाज से आपको हेल्प करती है टू इंप्लीमेंट ए कंट्रोल ऑन द नेचर ऑफ द वैल्यू दैट इज बींग एंटर्ड इन द डाटा बेस डियर स्टूडेंट्स याद रखिए जिस वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डेज अ डाटा एज अ रिसोर्स उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि जो डाटा आपके डाटा में जा रहा है इट शुड बी वेरी मच एक्यूरेट सही परफेक्ट डाटा अंदर जाना चाहिए और इस चीज़ को आप इन्हीं इंटैग्रिटी कंट्रोल्स के जरिए कंट्रोल करते हैं क्यों इसलिए है कि आपका जो डाटा है इट प्रोवाइड यू अ बेसिस फॉर योर डिसशंस आपके डिसीशन के ऊपर आपका बिजनेस डिपेंड करता है बैड डिसीशंस कैन ब्रिंग ए बैड फेड टू योर बिजनेस इट कैन क्लैप्स योर बिजनेस और डिसीशंस के लिए जो चीज बेस प्रोवाइड कर रही है वो डाटा है तो अगर आपका डाटा ही इनएक्यूरेट हो गया इनकरेक्ट हो गया गलत हो गया आपके डिसीशन गलत हो जाएंगे जब डिसीजन गलत हो गए आपको समझ सकते हैं इसलिए जो हमेशा इस चीज पर ध्यान रखें कि जो डाटा आप एंटर करवा रहे हैं डाटा बेस के अंदर उस पर हर तरह के चेक्स लगे होने चाहिए और हर तरह से क्या मुराद है कुछ तो एक डाटा की नेचर पे डिपेंड करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि डेट है तो डेट हमें पता है कि वो जो नॉन लीप ईयर है उसमें फेबररी जो है ट्वेंटी नाइन डेज का नहीं होता या थर्टी डेज का फेबरी नहीं होता या जब हम बात करते हैं कि नेम की बात करते हैं तो नेम हमें पता है उसमें नेम जनरली जो है वो पास डिजिट नहीं होते ये तो वो चेक्स हैं कि जो बाय डिफॉल्ट किसी भी एक फील्ड पे लग सकते हैं लेकिन असल जो कंस्ट्रेंट है जो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टडी कर रहे हैं उनसे आप पूछिए कि इस पे क्या चेक हैं इस पे किस तरह की वैल्यूज एंटर होती है इस किस तरह की वैल्यू इसमें आएंगी और उनको फिर आप इंपोज कीजिए उनको इंप्लीमेंट कीजिए चेक्स को और ये जो हम पढ़ रहे हैं जो हम जिन इंटैग्रेटी कंट्रोल्स को पढ़ रहे हैं ये उसी का एक तरीका है इसके अलावा इंटैग्रटी कंट्रो कंस्ट्रेंट्स की या इन चेक्स की और बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं बहुत से तरीके हैं लेकिन ये बेसिक्स हैं जिनको आप डिफाइन करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे ड्यूरिंग योर फिजिकल डेटाबेस डिजाइन नल वैल्यूज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि आपने ये देखना है कि किस एट्रीब्यूट को हम नल वैल्यू दे सकते हैं देनी चाहिए और किसको नहीं फायदा से क्या है फायदा इसका यह है कि जब आप किसी वेरिएबल को किसी फील्ड को डिक्लेयर कर देते हैं कि नॉट नल अब डीबीएमएस आपने सिंपली एक दफा डिक्लेयर कर दिया कि नॉट नल नो द कॉन्सेप्ट इज ब्यूटिफुल के जो डीबीएमएस है वो हमेशा इस चीज का ख्याल रखेगा आप उसके बाद कि वेन एवर यू एंटर रिकॉर्ड द फील्ड दैट यू नल वो उनकी वैल्यू आपसे लाजमी तौर पे लेगा आपसे मुराद नहीं कि जो बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा है अब अगर कोई भूल भी जाए क्योंकि ज़ाहिर है कि ह्यूमन बींग्स में भूलने का फैक्टर तो हमेशा इज़ ऑलवेज देयर तो अगर कोई भूल भी जाएगा गलती भी कर जाएगा तो डी बी एम एस विल नॉट मेक एन एरर वो हमेशा आपसे कहेगा कि नहीं इस एट्रीब्यूट में वैल्यू एंटर करो उसके बगैर वो उस रिकॉर्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर अगर आप भूल भी गए हैं तो आपको दोबारा वो याद करा देगा कि नहीं इस एट्रीब्यूट में वैल्यू एंटर करो ंग अगेन दिस विल डिफाइंड बाई द यूजर्स ऑफ द सिस्टम देखिए जो कि प्राइमरी की है वो तो पक्की बात है कि वह ऑटोमेटिकली नॉट नल हो जाएगी क्योंकि प्राइमरी की तो नल ले ही नहीं सकती ना सिर्फ ये कि प्राइमरी की बल्कि अगर वो कंपोजिट है तो उसका कोई भी एट्रीब्यूट नल नहीं ले सकते तो वो तो पक्की बात होगी कि प्राइमरी की इज ऑलवेज नॉट नल इसके अलावा बाकी जितने भी हैं एट्रीब्यूट आपके उनमें से जिस चीज को आप वो कंपल्सरी हैं उनको आप डिक्लेयर कर देंगे स्पेसिफिकली एज नॉट नल अब उनकी वैल्यू रिकॉर्ड एंटर करते हुए लाजमी तौर तो पे देनी पड़ेगी ये हो गया नॉट नल रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट इतना ये इंपॉर्टेंट चीज है और देखिए कि किस तरह से ये आपको ट्रैक पर रखती है जो बंदा डेटा एंटर कर रहा है उसको इस चीज पर वो एक स्ट्रेट लाइन पे रखती है कि वो गलत डेटा एंटर ना कर सके वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वो क्या है कि आप जो जिस चीज को आपने फॉरन की डिक्लेयर कर दिया हुआ है उसमें या तो नल होगा या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो होम रिलेशन है उसके अंदर प्राइमरी की, की वैल्यू से वो मैच करेगा अब ये इतनी एक मुख्स सी बात है कहने को आपने उसको एक सेंटेंस में या एक ब्रीफली उसको डिस्क्राइब कर दिया बट वेन इट इज बींग इम्प्लीमेंटेड इ्यूज डी क्या आपने कह दिया ये की है अब वो आपको हमेशा उस के लीगल वैल्यू एंटर करने तो तो कहा चले जाएंगे क्योंकि फर्ज करें हम बात करते हैं एंप्लॉय की और प्रोजेक्ट की एम्प्लॉय के अंदर हमने फॉरन की शामिल की हुई प्रोजेक्ट आईडी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं अब सोचें आपके अगर आपको एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के अंदर से एक प्रोजेक्ट का रेफरेंस मिले और जब आप वो रेफरेंस ढूंढने जाएं पता चले कि इस रेफरेंस का तो प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है ये तो कोई प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है यानी पिछले पांच महीने से एक बंदा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है आपके डेटा के मुताबिक लेकिन जब आप उस प्रोजेक्ट को देखना चाहें कि वो है कौन सा प्रोजेक्ट वो तो प्रोजेक्ट ही वहां पर नहीं है इस तरह अगर आप देखें लाइक like डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का भी यही हाल है इसी तरह अगर आप देखें हमारे किसी भी एग्जाम सिस्टम में या लाइब्रेरी सिस्टम में स्टूडेंट और बुक है जिस बुक को एक स्टूडेंट ने इशू करवाया उस बुक के रिकॉर्ड के अंदर आपने फॉरन की शामिल कर दी स्टूडेंट आई डी इफ इट इज नॉट बींग चेक्ड बाय द रिफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्टेंट आपने किताब देखी वहां पर स्टूडेंट आई डी लिखा हुआ है आपने कहा कौन सा स्टूडेंट है देखें तो सही पता चलेगा तो स्टूडेंट है कोई नहीं कोई नामो निशानी नहीं है तो देखिए ये कितनी एक माइनर सी बात है लेकिन साथ ही कितनी इंपॉर्टेंट बात है और ये डाटा की वैलिडिटी को उसकी इंटेग्रिटी को कैसे मेंटेन करने में आपको हेल्प करती है क्या आपके जो रेफरेंसेज हो रहे हैं और माइंडेड जिस वक्त आप एक डेटाबेस डेवलप करते हैं जैसे जैसे साइज ग्रो करता है देर आर टेन एंड एंड ऑफ क्रॉस ट्वेंटी एक टेबल दूसरे को रेफर कर दूसरा तीसरे को तीसरा चौथे को ऐसी चेंज चलती है लेकिन आप सिर्फ जब उसको फॉरन की डिक्लेयर कर देते हैं साथ ही डीबीएमएस उस पर रेफरेंशियल इंटेग्रिटीट इंपोज कर देता है ये तमाम रेफरेंसेज हैं देन दे आर वैलिड और ना सिर्फ ये कि जिस वक्त आपने क्रिएट किए हैं उस वक्त वैलिड है बल्कि हमेशा के लिए वैलिड है यानी जैसे अब मैं पहले भी आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं कि आपने एम्प्लॉय को लिंक किया प्रोजेक्ट से उस वक्त प्रोजेक्ट था कल को फर्ज करें आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है हम इसको डिलीट करते हैं ये, ये गलत एंटर हो गया था जब आप इस प्रोजेक्ट को हाथ लगाएंगे तो लाजमी तौर पे वो आपको बताएगा कि नहीं ये प्रोजेक्ट जो है किसी और जगह पे रेफरेंस हो रहा है उनका भी ख्याल करो और फर्ज करें अगर ये एंप्लॉय किसी और जगह रेफरेंस हो रहा है फॉरन की तो वो इस एम्प्लॉय के बारे में आपको बताएगा तो प्राइमरी फॉरन किंग की जितनी लंबी मर्जी चेन हो जाए वो तमाम चेन का ख्याल रखेगा ब्यूटिफुल है ना डियर स्टूडेंट्स आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया तो हम इसमें पढ़ रहे हैं फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के बारे में इस फेज का कंसर्न यह है कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है दैट आर रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर डाटा बेस डाटा बेस डिजाइन उनको यहां पर डिस्कस कीजिए। जाए और यह बात मैं आपसे दोबारा इस दफा एमसाइज करूंगा कि इस फेज का जो प्राइम फैक्टर है जो प्राइम इसका फोकस है वो है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन द दे डाटा प्रोसेसिंग एक बात और दूसरी बात यह है कि इस फेज में यू हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस कोई आपसे नहीं कहेगा कि ये ऑप्शन अडॉप्ट करो ये ऑप्शन अडॉप्ट अडॉप्ट करो या ये ऑप्शन नो ऑल दिस इज गोइंग टू बी योर ओन किस बेस पे, पे अब आप देखें अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करें यूजर की रिक्वायरमेंट्स का इस्तेमाल करें और जनरली टेक्निकली आप सोचें खुद से भी क्योंकि कई बातें ऐसी होंगी कि आपको यूजर ने स्पेसिफिकेशन नहीं दी पर एज एज बट अ टेक्निकल पर्सन आप खुद सोचते हैं कि नहीं इसका ये मुझे फायदा है इस मिसाल के तौर पे जैसे स्टोरेज है हो सकता है कि स्टोरेज की जो एफिशिएंसी है नॉट कंसर्न ऑफ़ द यूज़र, उसे पता ही नहीं है। अगर लगनी है तो लग रही है ना लेकिन आपको तो दो काम हो जाएगा। तो ये आपका कंसर्न हो गया एज ए टेक्निकल पर्सन इसलिए जो फिजिकल डाटा भी डिजाइन में है जितनी ऑप्शंस वो हम पढ़ेंगे उनके प्लस माइनस देखेंगे और फिर आप देखेंगे किसको हमें अडॉप्ट करना है इसकी डिस्कशन हमारी भी रहती है जो कि हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे रज दीजिए अल्लाह हाफिज़